मॉडल पे जाएंगे, एड डायग्राम पे क्लिक करेंगे, और एड डायग्राम पे क्लिक करने के बाद क्लास डायग्राम पे है आप क्लिक करेंगे, तो आपका क्लास डायग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सपोज हमें यहाँ पर क्लास डायग्राम बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, एक डायग्राम हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो क्लास है वो लेंगे, यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है क्लास जो होती है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, मतलब क्लास का जो ब्लॉक होता है जो हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनाते हैं, तो ये जो क्लास का ब्लॉक होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है टॉप में क्लास का नेम, तो यहाँ पर हम जो क्लास का नेम लिखेंगे वो लिखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। ये हमारा क्लास का नेम हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है क्लास के एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल बना है ये एड एट्रीब्यूट के लिए होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो अपने आप जो सेकंड वाले आपका जो ब्लॉक का जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग एट्रीब्यूट जो दे सकते हो, जैसे आपने दिया यूजर का टाइप, यूजर का टाइप मतलब लाइब्रेरी लॉगिन, लाइब्रेरियन लॉगिन कर रहा है या स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है, इस तरह से आप इसका टाइप दे सकते हो। सपोज इसका जो टाइप का रिटर्न टाइप है वो कैर है, आपको और ऐड करना है तो आप प्लस कर सकते हो। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ सर, सर मेरी क्लास चल रही है। हाँ सर, मेरी 1:05 पे खत्म होगी, फिर 1:55 पे फिर से इसे आप बताएं ना सर। अच्छा 1:55 से क्लास शुरू होगी, 2:35 तक है सर। हाँ 3 बजे निकलूंगी मैं, 15 मिनट रहेंगे सर, मैं आ जाऊंगी। हाँ सर मैं आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट में आपको क्या लिखना है, एट्रीब्यूट में आपको जैसे आपने लिखा यूजर नेम, ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया। यूजर नेम भी आप कैर कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपका एक और एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है, दैट इज दी पासवर्ड, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, मतलब वॉट एवर आपको जो भी पड़ेगा। जैसे ओटीपी आता है आपका, इफ यू वॉन्ट टू राइट हियर ओटीपी, वन टाइम ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये सपोज हो सकता है इंट हो इसका रिटर्न टाइप, तो इस तरह से मतलब जो भी आपके एट्रीब्यूट आप सिस्टम में ऐड करने वाले हो वो सारे एट्रीब्यूट को आप लिख सकते हो। अब आपको इसका वो लिखना है, क्या लिखना है, फंक्शंस लिखने की। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, वापस से डबल क्लिक करेंगे, और ये जो सेटिंग, जो मोबाइल में जो सेटिंग का सिंबल होता है वो व्हील वाला, वो सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हो, सबसे पहले साइन अप, क्योंकि आप जब भी कोई सिस्टम से पहली बार करते हो तो आपको साइन अप करना पड़ता है। फिर आप साइन अप हो गए, साइन अप या रजिस्टर आप जो भी उसको बोलो, है ना। फिर वन टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉगिन, ठीक है। और जब भी आपने लॉगिन करा है तो आप उसको सिस्टम को हमेशा लॉग आउट भी करते ही, आप हमेशा आपको चाहे जीमेल हो चाहे वो किसी भी तरह का सिस्टम हो, हम साइन आउट हमेशा करते हैं। तो ये एक प्राइमरी जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के इतने फंक्शंस हो गए। ये क्लियर है सबको। क्लास ब्लॉक, क्लास ब्लॉक मतलब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, जो लेक्चर में नहीं थे मैं उनके लिए भी बता रही हूँ। ये क्लास ब्लॉक का मतलब होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, क्लास नेम, क्लास के एट्रीब्यूट्स और क्लास के ऑपरेशंस। और जो उसके भी पहले वाली क्लास में नहीं थे उनके लिए भी बता दूं, क्लास का नेम तो हम खुद रख सकते हैं, जो एट्रीब्यूट हैं वो आपकी वेरिएबल्स होते हैं उसके रिटर्न टाइप के साथ आपको उसको मेंशन करना है, और जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि आप क्या ऑपरेशन उस पर्टिकुलर क्लास के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में, ऑल 21 स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम,
यस यस मैम। पहली वाली क्लास आपको क्लियर है? चलिए अब मुझे दूसरी क्लास आप यहाँ पर और बनानी है। ये तो मेरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एक ओवरऑल क्लास हो गई। अब मुझे यहाँ पर एक और क्लास बनानी है, तो वो कौन सी क्लास बनेगी? कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सी क्लास बनेगी? यस और नो? मतलब इसके अलावा देखो, मुझे तो कंप्लीट क्लास डायग्राम बनाना है, तो तुम में से कोई बता सकता है कि कौन सी क्लास डायग्राम बनेगी इसमें, और क्लासेस बनेगी इसमें? क्योंकि देखो आपने यदि सोचनी होगी, यदि मैं ही डायरेक्टली बताती जाऊंगी तो आप खुद से क्लास डायग्राम कैसे बनाओगे फिर आप? आपको ये तो पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसमें कितनी क्लासेस पॉसिबली हो सकती है। आप बताओ, तब तक मैं इसको बोला वंशिका ने, ठीक है इसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट से मैंने सेव कर लिया। वंशिका ठीक है, बुक प्राप्त तो होगी होगी डेफिनेटली। उसके बाद विनय कुछ बोल रहा था शायद। या यस मैम, वही अवेलेबल बुक्स बोला था मैंने, वही ऑप्शन मतलब फंक्शन हो सकता है कि बुक अवेलेबल है या नहीं। ये क्लास नहीं हो सकती पूरी, क्योंकि क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर्स, राइट? या यस मैम। और कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम, स्टूडेंट इन्फो पर क्लास बना सकते हैं। यस मैम, तो बुक को यूज कर रहे लाइब्रेरी। यस, यूजर, किसी ने यूजर भी लिख रखा है, राइट? तो मैं एक यहाँ पर क्लास बना लेती हूँ, यूजर। मैं भूल ना जाऊं आप लोगों ने जो बताया है, तो मैं पहले ना काम करती हूँ, क्लासेस बना लेती हूँ, राइट? यूजर, और यहाँ पर एक और बना लेती हूँ, वंशिका ने बोली थी बुक। चलिए इसके अलावा कुछ, कभी कभी फाइन लग जाता है बुक पर यदि टाइम पे सबमिट नहीं करते हैं तो? यस, कौन चेक करता है उसको? चेक कौन करता है? अकाउंट? Is it okay? Yes, yes or no? Yeah, yes ma'am. अब जो यूजर हैं, वो यूजर कितने टाइप के हो सकते हैं इस लाइब्रेरी में? It can be स्टूडेंट हो सकता है मैम, और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। Then it can be librarian. Yes, librarian भी हो सकता है, और it can be टीचर्स या प्रोफेसर, टीचर्स, फिर लैब स्टाफ, या कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो ये इतनी इसकी वैरायटी जो है वो हो गई। क्लियर है आपको? यस और नो? यस मैम। चलिए यस मैम। तो इतनी क्लासेस, और इसके अलावा भी आपको कोई और क्लासेस ऐसे याद आ रही है तो आप लोग वो क्लासेस भी कर सकते हो, ठीक है? वो क्लासेस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो यदि आपको कोई याद आती है तो। इट इज नॉट स्टिक ओनली अप टू, आपको यदि बताते बताते इन बिटवीन याद आ रही है कोई क्लास तो श्योर मुझे आप बताओ, ठीक है ना? चलिए तब तक अपन इसको देखते हैं। अब यूजर, तो सबसे पहले अब यूजर के एट्रीब्यूट देख ले। तो यूजर के एट्रीब्यूट क्या आएंगे? नेम, या यूजर नेम हो सकता है, तो क्या हो जाएगा एट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, राइट? और यूजर का सपोज कोई आईडी है, यदि स्टूडेंट है तो उसका भी आईडी है, यदि फैकल्टी है तो उसका भी आईडी है, राइट? तो उसको आईडी जो है हम इसको कर सकते हैं, तो आईडी को आप भी, इसको भी आप कैर ले लो। इसके अलावा आपको कोई और चीज लेनी है, आपको इसका डिपार्टमेंट या ब्रांच लेना है, वेट अ मिनट, तो यहाँ पर आप ब्रांच भी लिख सकते हो कि उसकी ब्रांच क्या है। आपको उसका मोबाइल नंबर लेना है तो आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी ले सकते हो। आपको कोई भी चीज इससे रिलेटेड कोई भी चीज आए समझ में तो आप उसको यहाँ पर एड कर सकते हो। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर यूजर के फंक्शंस, कि यूजर चाहे स्टूडेंट हो, यूजर चाहे लाइब्रेरियन हो, या यूजर चाहे स्टाफ हो, इन तीनों में कॉमन फंक्शन कौन कौन से होंगे? ठीक है,
तो कौन कौन से होंगे कॉमन फंक्शन बताओ, कोई बता सकता है? यस मैम, एक यूजर, एक बुक, अकाउंट भी होगा मैम। क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो ना एक बार। किसी ने बोला मैम यूजर का हो क्या? अमन, हाँ अमन बोलो। मैम आवाज ही नहीं आई मुझे, तो क्या बोल रहे हो मैम? यूजर के ऑपरेशन पूछ रही हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर और इट इज नॉट क्लियर? यस मैम क्लियर है मैम। मैम यूजर के फंक्शन में मैम मेरे को बुक को एक्सेस करेगा और ये मुझे फंक्शन के नाम बताओ। फंक्शन जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा यूजर का फर्स्ट फंक्शन सर्च फॉर बुक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। स्टूडेंट भी सर्च करेगा, लाइब्रेरियन खुद भी सर्च करता है और स्टाफ भी सर्च करता है, तीनों का। मैम सेकंड फंक्शन उसको इशू करने का होगा, बुक को इशू करने का, सेकंड रिक्वेस्ट करने का। हां रिक्वेस्ट करने का, इशू तो उसको लाइब्रेरी इंचार्ज करेंगे। अच्छा तो फिर इसको हम कॉमन में थोड़ी लिख सकते हैं, फिर जब लाइब्रेरियन का अलग से फंक्शन होगा हम तब वहां लिखेंगे ना इसको, और जब स्टूडेंट का अलग से होगा तब हम वहां लिखेंगे इसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपसे कॉमन फंक्शन पूछ रही हूं, जैसे लॉग इन लॉग आउट, ये कॉमन फंक्शन है मैनेजमेंट सिस्टम का, चाहे टाइप्स ऑफ बुक, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे स्टाफ मेंबर हो, चाहे लाइब्रेरियन, जो लॉग इन करेगा वो लॉग आउट करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने कॉमन फंक्शन ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब जैसे लॉग इन लॉग आउट किया, तो लॉग इन लॉग आउट किया तो आप उसको क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, राइट? तो जैसे सर्च फॉर अ बुक लिखा मैंने, वैसे यहां पर आप लिख सकते हो वेरीफाई डिटेल्स। आप डिटेल्स को यहाँ पर क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये जो यूजर है एज ए स्टूडेंट जिसने लॉग इन किया है वो करेक्ट है या नहीं है, एज ए लाइब्रेरियन जिसने लॉग इन किया है वो करेक्ट है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद वो सेल्फ अकाउंट भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी बुक ले रखी है, उसकी डेडलाइन कब आने वाली है, कितनी बुक में और इश्यू करवा सकता हूँ। सेल्फ अकाउंट भी तो चेक कर सकता है या नहीं कर सकता है? आप लोग अपने मैम हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैम, एडमिन लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ही लिख दिया मैंने तो, कि लॉगिन एंड लॉग आउट। अब इस सिस्टम में जो जो इंटरेक्ट करेगा हर कोई लॉगिन करेगा, हर कोई लॉग आउट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ऋतिक। यस, यहां पर आ सकता है चेक सेल्फ अकाउंट, मतलब आपकी खुद का अकाउंट जो है वो आप खुद चेक कर सकते हो। क्लियर? इस तरह से आप यूजर का लिख सकते हो। अब यदि यूजर एज ए स्टूडेंट है, ठीक है, तो नेम, आईडी, ब्रांच और मोबाइल नंबर ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और मैं क्या कर सकती हूँ, इसके एट्रीब्यूट में इसका डिपार्टमेंट लिख सकती हूँ कि स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। क्लियर? इतना मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट के लिए। और इसके बाद आपको लगता है ईमेल आईडी करना है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो जो रिक्वायरमेंट हो ना आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। ईमेल तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पर कैप, करेक्ट? आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो भी लिख दो, जो जो आपको लगता है आपके काम का है आपके उसमें एट्रीब्यूट में वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ईमेल, तो आप ये पूछ सकते हो कि मैडम आपने मोबाइल नंबर के नीचे ईमेल क्यों नहीं लिखा? तो मैंने मोबाइल नंबर के नीचे ईमेल इसने नहीं लिखा क्योंकि लाइब्रेरियन तो खुद ही पूरी चीजों को एक्सेस करने वाला है, उसको ईमेल आईडी की मतलब उसको ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है। ईमेल लाइब्रेरियन को यदि स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करना है, उसको यदि कोई मैसेज देना है कि आपका इशू आपने बुक करवाई थी अब उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो उसके लिए उसको जरूरत पड़ सकती है। तो आपने यदि ऊपर भी लिखेंगे ना ईमेल आईडी तो इट इज नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रॉन्ग है। आप यहाँ पर उस वक्त अगर ब्लैंक भी छोड़ेंगे ना
तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप डिपार्टमेंट और ईमेल यूजर में लिख देते हो एट्रीब्यूट में, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। कोई डब्बा बनाया है तो ऐसा जरूरी नहीं कि डब्बे की तीनों चीजें भरी हुई होनी चाहिए, बस डब्बे की पहली चीज भरी हुई जरूरी होनी चाहिए, दैट इज द क्लास। क्लास का नेम कंपल्सरी है, बाकी अदर जो चीजें है वो बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस मैम। राइट, अब आपको लिखना है स्टूडेंट का एक्टिव ऑपरेशंस। राइट, तो डबल क्लिक करेंगे स्टूडेंट को और स्टूडेंट के ऑपरेशन लिखेंगे। और स्टूडेंट के ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? अब आएगा आप जो आप बोल रहे थे ना, इशू बुक। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है? बुक को इशू करवा सकता है। और क्या कर सकता है? हम सबमिशन का रिन्यू बुक। क्या बोला विनय? सबमिशन बोला मैंने। मैम नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैम सबमिशन को सबमिशन कर सकता है। राइट, या यस, रिटर्न। फाइन, रिटर्न इज द राइट वर्ड। रिटर्न बुक, या रिटर्न बुक। अब फाइन, वेरी गुड वंशिका। पे फाइन, स्टूडेंट फाइन भी भर सकता है। और एनीथिंग एल्स? हो सकता है वो फीडबैक भी दे। इट कैन बी फीडबैक एनी टाइप का, मतलब जरूरी नहीं है ये लिखना है। एक आपको से समझाने के लिए फीडबैक भी हो सकता है इसमें। एक चीज कि स्टूडेंट को कोई फीडबैक देना हो तो वो बोल सकता है, या किसी बुक की डिमांड करना हो तो डिमांड बुक भी कर सकता है स्टूडेंट। सपोज कोई बुक लाइब्रेरी में नहीं है तो वो उसकी डिमांड भी कर सकता है उसको ऐड करवाने के लिए। इज इट करेक्ट? ऑफ लाइब्रेरियन। अब एज ए लाइब्रेरियन एट्रीब्यूट, आपको कोई लगता है एट्रीब्यूट तो ऐड करो, ये तो इसको स्किप कर दो। डायरेक्ट ऑपरेशंस भी लिख सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए कैरेक्टर, आईडी, ब्रांच और मोबाइल नंबर इज इनफ, इतना भी जरूरी है। पर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ लिखना है लाइब्रेरियन में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उसका आप एट्रीब्यूट बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसके एट्रीब्यूट मत बनाओ। क्लियर है? अब जैसे लाइब्रेरियन के ऑपरेशंस, तो अब लाइब्रेरियन क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? अप्रूवल बुक, ऐड बुक, किसी बुक को ऐड कर सकता है वो। हाँ, किसी ने एक बहुत अच्छा बोला अप्रूवल, उसको अभी लिखती हूँ मैं। डिलीट बुक, कोई बुक अनअवेलेबल है तो उसको हटा भी सकता है वो। और अप्रूव दी, अप्रूव बुक, ओके, अप्रूव बुक। और क्या कर सकता है? क्रिएट मैसेज, जैसे मैंने बोला कि किसी स्टूडेंट को फाइन लगने वाला है सपोज, तो उसके पहले वो उसको एक मैसेज दे सकता है। और रिसीव, रिसीव शो फाइन, शो फाइन, फाइन को भी शो कर सकता है ये स्टूडेंट को। मैम बुक को रिटर्न करने के लिए एक रिमाइंडर दे सकता है शायद। रिमाइंडर किस चीज के लिए? मैम बुक को रिटर्न करने के लिए, कि आपका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है, अब आपको बुक रिटर्न करनी है। क्रिएट मैसेज में मैंने वही लिखा है, तो ठीक है, आपने अच्छा वर्ड बताया, रिमाइंड फॉर, इसको ऐसे लिखो, रिमाइंड अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर रिन्यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ताकि एकदम क्लियर समझ में आए कि रिमाइंड फॉर, तो रिमाइंड फॉर रिन्यू, वेरी गुड ऋतिक, इट्स अ गुड वर्ड। मैंने क्रिएट मैसेज लिखा था, क्रिएट मैसेज भी कर सकते हो, क्रिएट ईमेल भी कर सकते हो, क्योंकि अब ईमेल आईडी लिया है, उसको कुछ ईमेल भेजना है तो वो ईमेल भी भेज सकता है, या उसको अपडेट करवाना है कि भैया आपकी लाइब्रेरी में नई बुक आई है, उसको यदि अपडेट करवाना है तो अपडेट फॉर बुक्स, अपडेट फॉर बुक्स, इस तरह भी करवा सकते हो आप। देखो कुछ भी फंक्शंस तो आप जितने इंक्लूड करना चाहें उतने आराम से हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, और एक आता है आपका स्टाफ।
तो स्टाफ में भी आपको यदि कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है, स्टाफ के भी जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप यहाँ पर स्टाफ का जो डिपार्टमेंट है वो ऐड कर सकते हो, उसका रिटर्न टाइप कैर ले लो। और आपको स्टाफ का और कुछ ऐड करना हो अपार्ट फ्रॉम नेम, आईडी, ब्रांच एंड मोबाइल नंबर, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। क्लियर? चलिए, और यहाँ पर स्टाफ के फंक्शंस, ऑपरेशन स्टाफ के, तो ऑब्वियसली स्टाफ और स्टूडेंट यहाँ पर इक्विवेलेंट होंगे। क्यों इक्विवेलेंट होंगे? क्योंकि स्टूडेंट भी वही काम करेगा लाइब्रेरी में जो एक स्टाफ करता है। बट ये जरूर हो सकता है कि स्टाफ को फाइन नहीं लगेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या उनका टाइम पीरियड बुक का 1 मंथ का रहेगा, तो उनको 1 मंथ बाद, जैसे स्टूडेंट को हर 15 दिन में रिन्यू करवाना पड़ता है, हो सकता है स्टाफ मेंबर हर 1 महीने में रिन्यू करवाए, तो आप बस पे फाइन वाला हटा दो, बाकी तो सेम हो सकते हैं फंक्शंस स्टाफ मेंबर्स के भी। मतलब मुझ में और आप में क्या अंतर है? मैं लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाऊंगी तो हो सकता है मुझे फाइन ना लगे, पर आपको फाइन लगेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. बुक को तो इश्यू जो है वो स्टाफ भी करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ, इश्यू बुक ऑन, इस तरह से आप यहाँ पर प्लस प्लस करके स्टाफ के भी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको आप लिख लें। चलिए, स्टाफ यहाँ पर हो गया, अब लाइब्रेरी यहाँ पर हो गया, और स्टूडेंट यहाँ पर हो गया। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट, लाइब्रेरी स्टाफ विथ यूजर? कौन मुझे बताएगा? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ डब्बे बनाए, मैंने उनके बीच की रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बताई है। कौन बताएगा मुझे रिलेशनशिप? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर, स्टूडेंट एंड, यूजर जो है एक जनरल वर्ड है, और यूजर जो है स्टूडेंट भी हो सकता है, यूजर जो है वो लाइब्रेरियन भी हो सकता है, और जो यूजर है वो स्टाफ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, लाइब्रेरी एंड स्टाफ इज अ स्पेशलाइज फॉर यूजर। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगी दैट इज जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। मैं पढ़ाती जाऊं आपको समझ में नहीं आता है क्या? व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, आपको समझ में आता है? Yes, ma'am. मुझे ऐसा क्यों लगता है? Yes, ma'am, आता है। You people don't answer. I do not know आपको कितना समझ में आता है। ये स्टूडेंट, ये लाइब्रेरियन, और एक जनरलाइजेशन बना लो यहाँ से, क्योंकि आपकी जो यूजर ये है, ये जनरलाइज क्लास है, और बाकी आपकी स्पेशलाइज क्लास है, मतलब उसकी वैरायटी। अब मुझे बताओ कि एक यूजर और एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या क्या होगा रिलेशनशिप? लाइब्रेरी मैनेजमेंट और एक यूजर में क्या होगा? क्या होगा बेटा? एक यूजर के बिना लाइब्रेरी रह सकती है? यूजर के बिना लाइब्रेरी का मतलब है एग्जिस्टेंस है। आप बोल सकते हो कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंड द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज द कंपोजिशन, जहां पर हम सॉलिड एरो से डिनोट करते हैं, सॉलिड डायमंड साइन, नॉट होलो। होलो इज एग्रीगेशन, होल पार्ट रिलेशनशिप, दैट इज यूजर इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूजर के बिना लाइब्रेरी का कोई मीनिंग नहीं है। यदि लाइब्रेरियन नहीं होगा तब भी नहीं, और इशू करवाने के लिए बुक, यदि बुक्स नहीं है तब भी नहीं, और अकाउंट सेक्शन है तब भी नहीं, तो क्या रिलेशनशिप होगा? कंपोजिशन। तो आप यहां पर सब जगह पे जो रिलेशनशिप है वो क्या बना लें? कंपोजिशन। अब बुक, बुक के बिना लाइब्रेरी का कोई मीनिंग है क्या? नो मैम। तो वहां पर बिल्कुल भी
आप कंपोजिशन नहीं करेंगे, वहां पर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, उसके बिना एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, कंपोजिशन। वैसे ही अकाउंट्स, आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इससे दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी कंपोजिशन। हाँ, पर ऐसी कोई लाइब्रेरी है जो स्टूडेंट पे फाइन लगाता ही नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप वहां पर बुक इश्यू करवा सकते हो, तो उस केस में फिर यहाँ पर कंपोजिशन जरूरी नहीं है, एग्रीगेशन से भी काम चल जाएगा आपका। इज इट ओके? यस मैम। यस और नो? ठीक है, यस मैम। चलिए, तो इस तरह से ये बन गया डायग्राम। और बताओ, और किसी में कोई रिलेशन आपको समझ में आ रहा हो? क्लियर आपको इतना? चलिए, अब यहां पर अपने को इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, बुक। कौन बताएगा मुझे बुक के एट्रीब्यूट्स? नेम, उसका टाइटल, इजंट इट, बुक आईडी। नेम की जगह हम टाइटल लिखेंगे, ठीक है, टाइटल ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, फिर पब्लिशर, बुक आईडी मैम, पब्लिशर, ऑथर मैम, ऑफ पब्लिशर, वेरी गुड, नेम ऑफ पब्लिशर, और नेम ऑफ द राइटर मैम, राइटर ऑथर, ओके, नेम ऑफ ऑथर, या, और आईडी मैम, बुक आईडी भी तो रहती है, आईडी, आईएसएसएन नंबर, हाँ, यस मैम, यस, यस, ISSN नंबर, और कुछ? एनीथिंग एल्स? प्राइस? वैसे तो काम की नहीं है हमारे यहाँ प्राइस, क्योंकि हमें लाइब्रेरी में तो इश्यू करवाना है, हमें प्राइस से क्या लेना देना, फिर भी बुक का वन ऑफ दी होता है, प्राइस हो सकता है, नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, सब आ सकता है इसके अंदर। चलिए, अब क्या होंगे इसके ऑपरेशंस बुक के, कौन बताएगा? कोई भी पर्टिकुलर बुक है, उसपे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? एक हो सकता है रीड बुक, एक मिनट, या इसको कहते हैं इशूड स्टेटस, कि कितने दिनों के लिए वो बुक इश्यू हुई है, ये हो सकता है किसी भी बुक के लिए, तभी तो लाइब्रेरियन चेक करके बताता है ना कि बुक अवेलेबल है या नहीं है, या वो बोलता है ना कि आप 10 तारीख को आना, 10 बजे 10 तारीख को ये बुक फ्री हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसको पता है जिसने भी स्टूडेंट ने उसको इश्यू करवा के रखा है, वो 10 तारीख को रिटर्न करने आएगा, तो बुक आपकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, इशू स्टेटस। और कुछ इसके अलावा? मैम, अपडेटेड बुक का मैसेज, अपडेट जैसे कोई नई बुक आए वगैरह, अपडेट, ओके, और फीडबैक, फीडबैक, वेरी गुड, और कुछ? मैम, अगर कोई न्यू बुक आए तो, वेरी गुड, देखो मैंने और किस मेरी और किसकी एक साथ मैच हो गई, नरेंद्र से, मैंने लिखा, नरेंद्र ने बोला, वेरी गुड, न्यू बुक डिमांड, एग्जैक्टली, ठीक है, तो दिस कैन बी वेरियस फंक्शंस ऑफ एनी बुक। अब सिमिलर मैनर में अब आपका आता है अकाउंट, तो आपके अकाउंट में क्या आएगा, व्हाट कैन बी द एट्रीब्यूट अकाउंट में, कौन सा एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा काम में आएगा, कौन बताएगा मुझे, तो ये बताओ सबसे ज्यादा काम में कौन सा एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पर, तो मैम नंबर शायद वो रहते हैं ना, इशू डेट, एक मिलता है, इशू, लाइब्रेरी कब लगेगा, फाइन कब लगेगा, जब हमें इशू डेट और बोरो डेट पता हो, यस और नो? यस मैम, इसका रिटर्न टाइप भी डेट, तो इशू डेट, रिटर्न डेट, फाइन का अमाउंट,
और बताओ और क्या हो सकता है, रिजर्व्ड बुक, कोई बुक ऑलरेडी रिजर्व्ड है, अवेलेबल तो है लेकिन इट इज रिजर्व बाय समवन एल्स, तो रिजर्व बुक की डिटेल्स, फिर रेफरेंस बुक है ना, बहुत सारी बुक ऐसी होती है, या आप इसको बुक्स में भी डाल सकते हो, ठीक है, डोंट वरी, जरूरी नहीं आप अकाउंट में डालो, पर रेफरेंस बुक भी होती है जिसको आप पढ़ सकते हो पर वो इशू नहीं होती है, तो इस तरह से आपके जो है डिटेल आ सकता है। और इसका एट्रीब्यूट कौन बताएगा अकाउंट का, सॉरी ऑपरेशन, सबसे अच्छा है इसका एट्रीब्यूट तो बहुत इजी है, टोटल फाइन बताना, यस टोटल फाइन, कैलकुलेट फाइन, वेरी गुड, कैलकुलेट फाइन। डेढ़ मिनट बचा है, एक सेकेंड है ना, मैं सेव कर लूं, मीटिंग यदि ऑटो क्लोज हो जाएगी, वेट अ मिनट, हाँ जस्ट वेट, ओके तो जैसे वंशिका ने बोला एकदम करेक्ट, कैलकुलेट फाइन। इस तरह से आप एक और क्लास ले सकते हो डेटाबेस, जिसको आप बोल सकते हो लाइब्रेरी डेटाबेस, और इसका जो लिंक होगा, ये जो लाइब्रेरी डेटाबेस है इसका जो लिंक होगा वो सीधे होगा लाइब्रेरियन से और किसी से भी नहीं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड अ लाइब्रेरियन, ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो, सिंपल एसोसिएशन कि लाइब्रेरियन और डेटाबेस, और ये जो लाइब्रेरी का डेटाबेस है, ये जो लाइब्रेरी का डेटाबेस है इसमें आप जो है इसके भी फंक्शंस और वो जो यहाँ पर लिख सकते हो कि लाइब्रेरी की डेटाबेस में सबसे पहले तो होगी लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, और क्या हो सकता है इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैम इसमें यूजर्स कर लीजिए आप, स्टूडेंट लाइब्रेरी स्टाफ, वेरी गुड थैंक यू, तो इसमें नंबर ऑफ यूजर कर देते हैं,